आम आदमी पार्टी मिनिस्टर आतिशी मीनवाइल इज ब्रीफिंग द मीडिया, लेट्स कट अक्रॉस। उसका सबूत उन्होंने देश के सामने रख दिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने एक फर्जी मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चुनाव में प्रचार ना कर सके। यह सिर्फ तानाशाही सरकारों में होता है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं। तानाशाही सरकारों में यह भी दूसरा लक्षण होता है कि विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है, और आज यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके आचार संहिता के दौरान विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, उससे उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी उसको गाने में लिख देती है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत आपत्ति है। वो कहते हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे, ये रूलिंग पार्टी को और एजेंसीज को बहुत पुअर लाइट में दिखाता है। आप सीबीआई के हेड को नहीं बदलेंगे, आप ईडी के डायरेक्टर को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे, आप इनकम टैक्स के डायरेक्टर को अध्यक्ष को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे, उनके विपक्ष पर हमले को नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कोई प्रचार में कह दे कि झूठी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो ईसीआई को उससे ऑब्जेक्शन है। जब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन चलती है, जब भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके जो विपक्ष के नेता जाते हैं उनके ईडी के सीबीआई के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के एंटी करप्शन ब्यूरो के केस बंद हो जाते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.